हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है, वीवर्स आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ऑनर्स। इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जो है यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़े के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट बाय अर्ली 19th century। Worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in the England began protesting against the import of Indian cotton textile. In 1720, the British government enacted a regulation banning the use of printing cotton textile sheet in the England. Interestingly, this act was known as the Galileo Act. कि हम कहें कि 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड ने ऊन व रेशम निर्माता का भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने जो है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को गैलीलियो अधिनियम कहा जाता था। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। अनेबल टू कंप्लीट दिस इंडियन टेक्सटाइल, इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। सो कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल ऑल्सो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स वॉन्टेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाई प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। द फर्स्ट टू गो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वॉज द गैलीलियो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज। इंडियन डिजाइंस वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मस्किल एंड प्लेन अनब्लीचेबल इंडियन क्लॉथ। कि हम कहें उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के समान लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले गैलीलियो छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले जो कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे, यानी भारतीय कपड़ों का उन्होंने इमिटेशन यानी नकल शुरू कर दी थी। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू अ सर्च फॉर द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन इंग्लैंड। इन 1764 स्पिनिंग जेनी वॉज इन्वेंटेड बाय द जॉन के विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिनर्स। इन द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय रिचर्ड Aquit in 1786 revolutionized cotton textile weaving. Cloth could now be woven in immense quantities and cheaply too. कि हम कहें कि उस समय इंग्लैंड में नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे, और भारतीय कपड़ों के समान लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। फिर हम कहें कि किस तरह से भारतीय कपड़ों के साथ साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी, और 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में हम कहें कि रिचर्ड ऑकराइट ने वाशिंग इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। फिर हम कहें कि हाउ एवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th century। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डच, द फ्रेंच एंड द इंग्लिश मेड इनॉर्मियस प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड। दीज कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर। बट एज यू नो, वैन द इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी गेन पोलिटिकल पावर इन बंगाल, इट इज नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रीशियस मेटल टू बाई इंडियन गुड्स। इंस्टीड दे कलेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स एंड जमींदार्स इन द इंडिया एंड यूज दिस रेवेन्यू टू बाई इंडियन टेक्सटाइल। कि इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबाव 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच हैं, फ्रेंच हैं, ब्रिटिश हैं और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़ा खरीदती थीं। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश
ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल पर राजनीतिक सत्ता उसको मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की ज़रूरत नहीं रही, जैसा कि हमने अपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने भारत में ही किसानों और ज़मींदारों पर राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से ही कपड़ा खरीदना स्टार्ट कर दिया। फिर हम आगे बात करें तो किस तरह से इन लोगों ने जो है यहाँ पे हम कहें कि काफ़ी सारा हु वर द वीवर्स, वीवर्स कौन थे अगर हम बात करें तो वीवर्स ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन वीविंग, देयर स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। देन द टंटी वीवर्स ऑफ बंगाल अगर हम बात करें तो इनको हम तांती वीवर्स कहते हैं ऑफ द बंगाल, द जुलाहाज और द मोमिन वीवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, सेल एंड द कोलिहा कोइलालोर एंड द देवंग्स ऑफ साउथ इंडिया आर सम ऑफ द कम्युनिटीज फेमस फॉर वीविंग, कि बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे, वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती हैं, उत्तर भारत के जुलाहे और मोमिन, दक्षिण भारत के साले और कल्लोलार और देवांग समुदाय के बुनकर जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध थे। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वॉज स्पिनिंग अ वर्क डन मोस्टली बाय वुमेन, द चरखा एंड द ताकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स, द थ्रेड वॉज स्पन ऑन द चरखा एंड रोल्ड ऑन द ताकली, द वेन विनिंग वॉज ओवर द थ्रेड वॉज वोवन इन टू द क्लोथ बाय द वीवर्स, इन द मोस्ट कम्युनिटीज वीविंग वॉज अ टास्क डन बाय अ मैन, फॉर कलर्ड टेक्सटाइल द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर नोन द रंगरेज, फॉर प्रिंटिंग प्रिंटेड क्लोथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ द स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नोन एज द चिपरकार्स, कि हम कहें कि जिस तरह से हम ये अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए थे और ये लोग प्रिंटिंग वगैरह का काम भी करते थे। तो फिर हम आगे कहें कि फॉर प्रिंटिंग हैंडलूम वीविंग एंड द ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद इट इम्प्रूव्ड लाइवहुड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियंस, कि सूती सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण माना जाता है। यह काम अधिकांशतः अगर हम देखें तो उस समय जो महिलाएं होती थी महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे, ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट जो हैं ठीक है। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था और जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बनाते थे। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज जो है इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिपकर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर भी हम होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से जो लाखों भारतीय थे उनकी जो रोज़ी रोटी है वो हम कहें कि वो चला करती थी उस समय में। यानी अगर हम कहें कि उस समय में काफ़ी जो लोग हैं या काफ़ी सारे जो फैमिलीज़ हैं वो कपड़ा उद्योग के ऊपर ही डिपेंडेंट होती थी, क्योंकि अगर हम देखें तो महिलाएँ हैं वो घर के काम के साथ साथ में जो है सूत काटने का काम करती थी, उसके बाद में जो पुरुष होते थे वो उनको कपड़े में कन्वर्ट करते थे और फिर छपाई का काम शुरू होता था। तो यानी कि एक ही रोज़गार में कई सारे लोगों को अवसर प्रदान हो रखे थे और इसी रोज़गार के चलते जो है काफ़ी सारे लोगों को अपनी रोज़ी रोटी मिलती थी। तो अब हम पढ़ते हैं द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, की भारतीय कपड़े का पतन जो है वो किस तरह से हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वेज। फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। सेकेंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज फॉर इम्पोज ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्ट इन टू ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में हम कहें कि सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। पहला अगर हम बात करें तो भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़े से क्या करना था, कंपीट करना था, मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा अगर हम बात करें तो भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा में शुल्क क्या कर दिए थे, लगा दिए थे ठीक है। तो काफ़ी सारे जो हाई ड्यूटीज़ का मतलब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने काफ़ी सारे जो खर्चे थे उनके ऊपर वो इम्पोर्ट कर दिए। बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश मेड
cotton textile successfully outed Indian goods from their traditional market in Africa, America and Europe. Thousands of weavers in India were now thrown out of employment. Bengal weavers were the worst hit. English and European companies stopped buying Indian goods and their agents no longer gave out. यू मस्ट टू बी हीर यड ऑफ शोलापुर. इसको डिस्कस करने से पहले हम आगे पढ़ते हैं कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने जो है 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था. इसी वजह से अगर हम कहें तो हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोज़गार हो गए. ये भारतीय माल सबसे बुरी मार जो है बंगाल के बुनकरों पर पड़ी. ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारत माल खरीदने बंद कर दिए थे. इनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए जो है बुनकरों को परेशान करना पेशगी देना जो है जो मतलब ये डिस्काउंट दिया करते थे वो देना भी इन्होंने बंद कर दिया. फिर हम कहें कि परेशान बुनकरों ने मदद के लिए जो है बार बार सरकार से गुहार भी लगाई कि हमें किस तरह से हेल्प की जाए. इसको स्टार्ट करने से पहले आगे चलने से पहले हम थोड़ा सा एक बार ये देखना चाहेंगे कि प्लीज़ पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर कि ये चीज़ जो है आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करनी है. यू मस्ट स्टार्व फॉर द फूड. यहाँ से हम थोड़ा सा एक बार रीड आउट करना चाहेंगे कि वी मस्ट स्टार्व फॉर फूड कि हम भूखों मर जाएंगे कि हम जो है भूखे मर रहे हैं. ये कौन कह रहा है? इन 1823 द कंपनी गवर्नमेंट इन इंडिया रिसीव्ड अ पिटिशंस फ्रॉम द 12,000 वीवर्स स्टेटिंग यानी कि हम कहें कि 1823 में भारत की कंपनी सरकार जो थी उसको 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि वन अवर एंसेस्टर्स एंड वी यूज टू रिसीव एडवांस फ्रॉम द कंपनी एंड मेंटेन अवर सेल्फ एंड अवर रिस्पेक्टिव फैमिलीज बाय विविंग कंपनी सुपीरियर अरेस्टमेंट्स ओइंग टू अवर मिसफॉर्चून द ऑरंग्स हैव बीन अबॉलिश्ड ever since because of which we and our families are distressed for want of means of livelihoods. We are weavers and do not know any other business. We must stop for wood if the board of trade do not cast a look of kindness towards us and give order for clothes. Ki hamare purkhon aur hum logon ko company se peshgi milti thi yani hame jo hai एडवांस मिलता था पैसा मिलता था जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने परिवारों को हमें कहें कि परिवारों का पेट पालते थे. हमारी बदनसीबी है कि अब औरंग ख़त्म कर दिए गए हैं यानी जो पेशगी दी जाती थी जो एडवांस दिए जाते थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों का कि जो आजीविका के साधन हैं वो क्या हो गए नहीं बचे हैं. हम बुनकर हैं और हमारा हमें कोई दूसरा काम करना नहीं आता है. अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापार बोर्ड जो है हम पर कृपा नहीं करता है और हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है तो हम क्या हो जाएंगे भूखे ही मर जाएंगे. तो किस तरह से अगर हम देखें कि हमारे जो इंडियन वीवर्स थे उन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट जो है उसके सामने गुहार भी लगाई थी कि कृपया प्लीज़ हमारा तो जो है आप सपोर्ट कीजिए. प्लीज़ पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित कीजिए. वन विडोड स्पिनर रोट इन 1828 बंगाली न्यूज़पेपर समाचार दर्पण डिटेलिंग हर प्लाइट कि 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा को इस तरह से बयान किया था. टू द एडिटर समाचार आई एम अ स्पिनर After having suffered a great deal, I am writing this letter. Please publish this in your newspaper, which my age was 22. I became a widow with 3 daughters. My husband left nothing at the time of his death. I sold my jewelry for his Shraddh ceremony. When we were on the verge of starvation, God showed me a way by which we could save ourselves. I began to spin of takli and charkha. The weavers used to visit our houses and buy the charkha yarn at 3 tolas per rupees. Whatever amount I wanted as advance from the weavers, I could get for the asking. This saved us from cares about food and clothes. In a few years' time, I got together. RS 28,
With this, I married one daughter, and in the same way, all three daughters. Now, for 3 years, the two women, mother-in-law and me, are in want of food. The weavers do not call at the house for buying yarn. Not only this, if the yarn is sent to market, it is still not sold, even at 1/4 of the old price. I do not know how it happened. I ask my many about it. They say that Bilati 2 yarn is being import on a large scale. The weavers buy that yarn and weave. People cannot use the cloth out of this yarn even for the 2 months in the road way. तो किस तरह से उस लेडी ने जो है अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखी. तो उसने लिखा कि संपादक को उसने ये न्यूज़ दी कि मैं कताई कामगार हूँ, काफ़ी कष्ट के साथ मैं ये पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें, यानी अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित करें. जब मेरी उम्र 22 साल की थी तभी मेरे पति का देहांत हो गया. मेरी 3 बेटियाँ थीं. जब मेरे पति का देहांत हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था. उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपने गहने बेचने पड़े. जब हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे ज़िंदा रखने का एक रास्ता दिखाया. मैं तकली और चरखे पर सूत काटने लगी. बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते. बुनकरों से मुझे जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी. इस तरह हम खाने पीने और कपड़ों के बारे में निश्चिंत रहने लगे. कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे. इस तरह से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह कर दिया. इसी तरह मैंने 3 बेटियों को अपने घर चली गई. अब 3 साल से हम दोनों औरतें, मेरी सास और मैं, दाने दाने को तरस रहे हैं. अब सूत खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते. अगर मैं बाज़ार में सूत बेचती हूँ तो पहले के मुकाबले 1/4 दाम भी नहीं मिलते. समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया. मैंने बहुतों से पूछा है. लोग कहते हैं कि बाहर से बिताली जो हैं, विलायती लोग जो हैं, सूत आयात किया जा रहा है. बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाते हैं. लोग इस सूत का कपड़ा 2 महीने भी नहीं पहन पाते हैं और वह गलकर तार तार हो जाता है. तो देखिए कि किस तरह से जो प्रॉब्लम्स उस समय में जो बुनकर फैमिलीज थी उन लोगों को झेलनी पड़ रही थी, कि किस तरह से वो लोग जो हैं बहुत ही मुश्किल भरी सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे थे. एडवांस टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाईज, डिस्ट्रेस वीवर्स रोड पिटिशंस टू द गवर्नमेंट टू हेल्प देम. कि हम कहें कि लेकिन असली दुर्दिन जो है तो अभी आने वाली थी, कि अभी उन लोगों को काफ़ी कुछ देखना था. बट द वर्स वॉज स्टिल कम, यानी जो दुर्दशा होने वाली थी वो तो अभी बाकी था. बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लोथ फ्लडेड इंडियन मार्केट. इन फैक्ट बाय द 1880s 2/3 ऑफ द कॉटन क्लोथ्स वर्न बाय इंडियंस वर मेड of cloth produced in Britain. This affect not only specialist weavers but also the spinner. Thousands of rural women who made a living by spinning cotton thread were ridden jobless. कि हम कहें कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए. दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था. इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वाले की भी हालत ख़राब होती जा रही थी. जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपना आजीविका चला रही थी वे सब के सब अब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए थे. हैंडलूम्स वीविंग्स डिड नॉट कम्प्लीटिंग डाई इन इंडिया. This was because some types of clothes could not be supplied by machines. How could machines produce sarees with intricate borders or clothes with traditional woven patterns? This had a wide demand not only amongst the rich but also amongst the middle classes. Nor did the textile manufacturer in Britain produce their very coarse clothes used by the poor people in India. कि हम बात कहें कि लेकिन भारत के हथकरघों में होने वाली बुनाई पर पूरी तरह खत्म नहीं हुई. इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में जो हैं मशीनों पर नहीं बन सकती थी. भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली जो साड़ियाँ होती हैं या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे. इन कपड़ों
कि ना केवल रईस जो लोग होते थे के बीच ही, बल्कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते थे उनके बीच भी इनकी डिमांड थी। ये हम कहें कि कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिससे भारतीय गरीब पहनते थे। तो किस तरह से जो है, यू मस्ट हैव टू बी रीड अबाउट द शोलापुर इन द वेस्टर्न इंडिया एंड द मदुरा इन द साउथ इंडिया। दीज टाउन्स एमर्ज्ड एज इम्पॉर्टेंट न्यू सेंटर्स ऑफ द वीविंग इन द लास्ट 19th सेंचुरी। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बायकॉट इम्पोर्ट टेक्सटाइल्स एंड यूज्ड हैंड स्पन एंड द हैंड वूवन क्लोथ। खादी ग्रेजुअली बिकम अ सिंबल ऑफ द नेशनलिज्म। द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड इट वॉज पुट द सेंटर ऑफ द ट्राईकलर फ्लैग ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। अपने पश्चिमी भारत में स्थित शोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र ज़रूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए थे। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े जो हैं का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी के जगह दी गई। यानी कि इंडियन जो नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने जो हमारा सिंबल था, जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, उनका जो चरखा था उसका जो साइन है वो फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसके बीच में रखा गया। व्हाट हैपन टू द वीवर्स एंड द स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबर, सम माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क एंड येट अदर्स वेंट टू द कंट्री टू वर्क इन द प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड द साउथ अमेरिका। सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स ऑल्सो फाउंड वर्क इन द न्यू कॉटन मिल्स दैट वॉज इस्टेब्लिश इन बॉम्बे, न्यू मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। कि आइए देखें कि आजीविका के साधन गवा चुके जो बुनकर थे और सूत कातने वालों का क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे जो हैं खेतीहर मजदूर बन गए थे, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए, बहुत से देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अफ्रीका अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। उनमें से कुछ हथकरघा बुनकर जो है बम्बई, महाराष्ट्र, हम कहें कि बम्बई है, अहमदाबाद है, शोलापुर है, नागपुर है और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में उनको नौकरी मिल गई। तो किस तरह से अगर हम देखें कि हमारे जो वीवर्स थे उनकी हालत जो है, उनकी सिचुएशन जो है उस समय कितनी बुरी कर दी गई थी और वो किस तरह से काम की तलाश में इधर से उधर भटक रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट इसमें है कॉटन मिल्स कम अप, कि किस तरह से सूती कपड़ा जो है मिले हैं उनका उदय भारत में हुआ। ये हम देखेंगे स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई